नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं खास रिपोर्ट की ओर। आप सभी को बता दूं कि मंगलवार को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोने के भाव में हल्की सी बढ़त देखने को मिली है। अगर हम बात करें तो सोने की, तो सोने में अप्रैल का फ्यूचर ट्रेंड 58 रुपए की तेजी के साथ में 46,956 रुपए के लेवल पर पहुंच गया है। साथ ही साथ चांदी के अंदर भी बढ़ोतरी देखने को मिली है और लगभग 70,000 रुपए तक चांदी पहुंच चुकी है। तो आइए आज के भाव के बारे में जानते हैं और आने वाले समय में क्या भाव रह सकता है उसके बारे में एक नजर डालते हैं। मंगलवार को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोने के भाव में हल्की सी बढ़त देखने को मिली है। सोने में अप्रैल का फ्यूचर ट्रेंड 58 रुपए की तेजी के साथ 46,959 रुपए के लेवल पर था, तो वहीं चांदी का मार्च का फ्यूचर ट्रेंड 140 रुपए की तेजी के साथ 70,572 रुपए के लेवल पर था। आपको बता दूं, सोने की कीमतों में हल्का दबाव देखने को मिल रहा है, लेकिन चांदी की कीमत एक बार फिर 70,000 रुपए प्रति किलोग्राम के पार पहुंच चुकी है। और इसके अलावा इंटरनेशनल मार्केट में भी आज सोने में तेजी देखने को मिली है। अमेरिका में सोने का कारोबार 2.15 डॉलर की तेजी के साथ 1,813.54 डॉलर प्रति औंस के रेट पर आ गया है। वहीं चांदी का कारोबार भी 0.15 डॉलर की गिरावट के साथ 28.08 डॉलर के लेवल पर था। अगर हम दिल्ली के अंदर 30 फरवरी को सोने की भाव की बात करें, यानी कल, तो 22 कैरेट गोल्ड का भाव 45,410 रुपए और 24 कैरेट गोल्ड का भाव 49,530 रुपए था। वहीं दूसरी ओर चांदी का दिल्ली के अंदर भाव 70,500 रुपए था। तो वहीं दिल्ली सराफा बाजार में सोमवार को गोल्ड के भाव में 278 रुपए प्रति 10 ग्राम की तेजी आई और राजधानी दिल्ली में 99.9 ग्राम शुद्धता वाले सोने का नया भाव अब 46,013 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है। इस खबर पर इतना ही। देखते रहिए न्यूज 19। नमस्कार।